अंकिता नहीं दिखा सकता मैं यार, मुझे ना तेरा थोबड़ा दिखा है ना, मुझे तेरा फोन चाहिए ना, कॉल कुछ भी नहीं। हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं रणमी। इंट्रो गाइस, अंकिता चली गई है बड़ौदा एंड मैं इंट्रो अब शूट कर रहा हूं क्योंकि मैं उस वक्त नहीं कर पाया था। आपको पता चलेगा क्यों। आज के वीडियो में जितने भी आपको चीजें दिखेंगी जो मैंने अंकिता को सरप्राइज की है वो आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके परचेस कर सकते हो। वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने दिए क्योंकि अंकिता वहां से बहुत सारी ज्वेलरीज मंगाती है, तो मैंने भी वहीं से उसके लिए सरप्राइज के लिए मंगाया था। पर भयंकर वाला हमारा बीच में झगड़ा हुआ है, मतलब हद बिना का झगड़ा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था। ये वीडियो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। एंड ऑल्सो गाइस, smartbazaar.com एक वेबसाइट है, मैं हमेशा वहीं पे कंपेयर करता हूँ सारी ज्वेलरीज वगैरह के प्राइसेस वगैरह के, तो सबसे लो प्राइस में मुझे जहाँ मिलता है ना मैं वहीं से परचेस करता हूँ। उसकी भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। ऑल्सो सारी ज्वेलरी जो आपको दिखेगी इस वीडियो में वो सारी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप किसी के लिए भी, मतलब अपनी मदर, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, अनलिमिटेड अमेजिंग चॉइसेस हैं, जाके परचेस कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। लॉट्स ऑफ लव। अब वीडियो कंटिन्यू करो क्योंकि मैंने बहुत ही अब्रप्टली चालू किया था वीडियो, तो उस वक्त इंट्रो नहीं कर पाया था, तो एंजॉय। सॉरी, एकदम अर्जेंट में प्लान करना पड़ा इसलिए लंबा इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं मारूंगा। आप सब्सक्राइब, बेल आइकन और कमेंट, लाइक ये सब कर देना। तो हुआ ये है कि एक गिफ्ट बॉक्स मैंने ला के रखा था, काफ़ी दिन से हीटअप कर रहा था इस प्रैंक को भी, तो मैंने गिफ्ट एक रखा हुआ था रूम के अंदर एंड अलग अलग जगह पे मैंने उसको संभाल के रखा हुआ था। अंकिता को मैंने नहीं बताया था उसके लिए, ऑब्वियसली उसने पूछा नहीं था, उसको ऐसा लगा होगा कि उसके लिए सरप्राइज है। आज अंकिता रिटर्न जाने वाली है बड़ौदा एंड मैंने अब तक उसको नहीं बताया था, तो उसने जनरली कैजुअली पूछा मेरे से कि हिरेन ये बॉक्स में क्या है, मतलब किसके लिए है ये। ऑब्वियसली वो ये सुनना चाहती थी कि उसके लिए, पर मैंने उसको बोला ये तेरे लिए नहीं है, मैं बोला ये है छोड़ना ऐसे टाइप्स के। एंड वैसे कैजुअली बात शुरू हुई गाइस एंड उसके बाद मैंने उसको जवाब नहीं दिया, उस चीज़ को बातों को काटने की कोशिश की, तो उसने बहुत बड़ा झगड़ा किया एंड काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुई हम दोनों के बीच में एंड बहुत मैसअप हो गया था। उस वक्त मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था, चार्जिंग में पड़ा था, इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाया ना, ऑडियो रिकॉर्ड कर पाया मैं अर्जेंट में, पता है ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लेता था, कुछ नहीं कर पाया। फिर उसने फाइनली मुझे बोला कि मैं मॉम को पूछ के आती हूँ कि क्या है, किसके लिए है, आपको पता है, तो नीचे मॉम को पूछने गई। अभी जस्ट ऊपर आती होगी, मैं कैमरा यहाँ पे प्लेस कर दिया डायरेक्टली आके, अब अंकिता को आने देता है, वो किसी भी सेकंड आ जाएगी, तो वेट फॉर द प्रैंक, अब जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत झगड़ा हुआ था गाइस, मैं बता नहीं सकता किस लेवल पे झगड़ा हुआ था, तो लेट मी कंटिन्यू द प्रैंक। मुझे बताएगा कि किसका है, मम्मी ने भी नहीं बताया, मम्मी को भी नहीं बताया किसका है, मुझे ऐसा कहती है, मम्मी की बर्थडे के लिए लाया है, तो किसी को गिफ्ट दे रहा है हाँ, मुझे नहीं पता क्या फर्क पड़ता, मैंने गिफ्ट दिए तो किसका मुझे बता, मैं जा रही हूँ और मुझे नहीं दे रहा, तो ये मेरा नहीं है, मम्मी का नहीं है, तो किसका मुझे बता दो बस। क्यों जानना है, क्यों है, जब मैं दादा दे दूंगा तो तेरे को पता चल जाएगा बस। नहीं मुझे बता। अरे क्यों रुइन कर रही है मेरी चीजें, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, कोई भी अच्छा काम करने से पहले नहीं बताता मैं कोई चीज, क्या नहीं बताता मैं, देखो हमेशा देखो समझाया है ना कि मैं कोई भी चीज जब अच्छी होने वाली होती है तो मैं उससे पहले नहीं बताता हूँ किसी को, तो जबरदस्ती पीछे क्यों पड़ी हुई, मेरे से क्या छुपाने की जरूरत है, मुझे बता, नहीं बता सकता मुझे जाना, कभी अंडरस्टैंड किया कर, मुझे जाना है, अंडरस्टैंड किया कर कभी अंकिता, मत खोलना मत खोलना अंकिता, किसी की और की गिफ्ट है यार, मत खोल, पागल है क्या, थोड़ी तो मैनर्स रख यार, लाइटली ले रही हूँ, थोड़ी मैनर्स रख, इतने दिनों से पढ़ा था तो तब तो बोली नहीं, अचानक देखो क्या हुआ, मेरे लोग बोल दिया ना, तूने पूछा मैंने बोल दिया तेरे लिए नहीं है ये, अरे नहीं बता सकता यार, तीन दिन के बाद बता दूंगा तेरे को, तो तीन दिन के बाद किसकी बर्थडे आ रही है, बर्थडे दुनिया में बर्थडे के अलावा लोग गिफ्ट ही नहीं देते ना, तो वैलेंटाइन डे पे तूने कोई और शादी कर दी है, अंकिता जाएगी वैलेंटाइन डे, चल रहा है कितने दिनों का गया पता है, देखो पता है मुझे बहुत, बस तो फिर जबरदस्ती के आर्ग्यूमेंट खड़े करना है, जबरदस्ती झगड़ा करना है, दिमाग खराब करके रख दिया एक छोटी सी बात में, मम्मी के पास जाने से पहले तूने मतलब
ऑलमोस्ट पता है ब्रेकअप भी इतना झगड़ा नहीं होता जितना झगड़ा तूने मेरे से एक छोटी सी बात के लिए किया है। जिस दिन पता चलेगा ना कि किस चीज के लिए आया हूँ, तेरे को अफसोस होगा कि यार मैं फालतू में आर्ग्यूमेंट कर रही थी। यार जरूरी नहीं थोड़ी ना है कि यार किसी का बर्थडे हो या ऐसा हो तभी कोई गिफ्ट इंसान ले रही है। सिंपल वर्ड्स में पूछ रही थी कि तुझे किसको देना है, वो मुझे बता दे, मैं नहीं पूछूंगी तेरे को। फ्रेंड है एक। तेरी कौन सी फ्रेंड है? अब तेरी तूने डिसाइड कर लिया, लड़की है तूने डिसाइड कर लिया, बाय। ये तूने पेपर कैसा लड़की काइंड ऑफ है या नहीं, मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता। फ्रेंड है और है कुछ स्पेशल इसलिए देना है, तेरे को नहीं बता सकता मैं। अब कुछ इतनी डिटेल्स इनफ है, मेरे को नहीं बता सकता ऐसा तो क्या है, तो नहीं बता सकता ना। और लड़की है लेकिन तूने डिसाइड किया, मैंने नहीं बोला तेरे को लड़का है, नहीं बोलना है मेरे को लड़की है कि लड़का है। तू गिफ्ट दे रहा है कुछ स्पेशल है, कौन है पर्सन वो मेरे को नहीं पता है। हाँ तो मुझे जानना है कौन है और किसको दे रहा है तू गिफ्ट। अंकिता मेरे को आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज छोड़ इसको, रिक्वेस्ट कर। एक तेरे सिंपल सा जवाब, सवाल का जवाब दे दिया, मम्मी के लिए नहीं है, तेरे लिए नहीं है, फ्रेंड के लिए। क्यों हो रही है तो जबरदस्ती कंट्रोवर्सी अपने दोनों के बीच में क्यों क्रिएट कर रही है, जबरदस्ती हो भी फोर्सफुली कुछ नहीं हो तो तेरी हो भी तो लड़की में तूने डिसाइड किया ना, मैंने डिसाइड नहीं किया, तू बोली है मेरा फ्रेंड है। मैंने बोला मेरा फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, मैंने बोला फ्रेंड के लिए। हाँ तो मैं बोलूँ फ्रेंड के लिए लिया तो मुझे कुछ तो मुझे पता होगा ना कि पूजा के लिए लिया है, और कौन फ्रेंड है, कोई और भी होगा। अच्छा है? हाँ है, 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 है। तो दे देना, तू जो बोलना चाहती है जो झगड़ा करना चाहती है मैं अभी नहीं बता सकता है किसके लिए, इसको शांति से एक सेकंड रख दे। अंकिता तोड़ मत, दिमाग में थोड़ा चाहिए। मैं नहीं देने वाला, क्या कर रही है तू, पागल हो गई क्या? अंकिता नहीं दिखा सकता मैं, क्या मजाक कर रही है, मैं नहीं दिखा सकता, मुझे पार मत यार किसी की चीज, क्या कर रही है, ठीक है ले मत। तो ये तुझे कोई लड़के को नहीं देना है? मैंने बोला लड़के को देना है या लड़की को देना है, मैंने कोई क्लेरिफिकेशन दिया था तेरे को? है या इसमें ज्वेलरी है और तू बोल रहा है ये, और ये हर टाइम मेरे लिए आता है तो तू कौन, अब तो ये चीज तो फाइनल हो गई लड़की का है और ये आया था मेरे लिए, तू जिसको झूठ बोल के किसी को देने वाला है अभी मुझे देखो कैसे पता कर लिया है, मैंने मंगवाया ये ऑर्डर करके, जबरदस्ती क्रिएट कर रही है थी। देख ले नाम पढ़ ले। तो किसके लिए आया तुम, किसके लिए मंगाया है, किसके लिए मंगाया है इतने सारी ज्वेलरी तुमने, हीरे मुझे अरे नहीं बता सकता यार, अब भी क्या बताना है मुझे, देख तेरे लिए नहीं है तो ऑब्वियसली तेरे में इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है कि तू लेके नहीं जाएगी, मुझे जानना नहीं तो मैं सारा सारा अभी बाहर जाकर ले किसी को भी दे दूंगी, क्योंकि मैं संकी हूं तेरे को पता है, मुझे जानना है कहां मैं, तू संकी है सच बात है, अभी तो संकी वेड़े कर रही है, मुझे बता ये किसका है, इतनी सारी ज्वेलरी किसकी है, खुद फैला के बैठी है। हाँ क्योंकि तेरे सामने रख रही इतनी सारी ज्वेलरी किसकी है, नहीं बता सकता मैं, तीन दिन के बाद ही बताऊंगा, तब तक देखो बताना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा, ब्रेकअप हो जाएगा, मैं सच्ची बता, किसी को देना दे दे मैं दूसरी बार ऑर्डर कर दूंगा, देखो ब्रेकअप करना तो कर ले, वो तेरी मर्जी, मैं नहीं बोला हूँ ये चीज, देखो जो करना कर जितना गुस्सा करना कर, वैसे भी तू सुबह बहुत ज्यादा गुस्सा कर चुकी है और बहुत आर्ग्यूमेंट कर चुकी है, अब मैं भी नफरत हो गया, देखो जो करना कर मैं नहीं बताता, देखो जो करना कर ले, मेरी अभी कैब आ रही है और मैं निकल रही हूँ, हाँ तो निकल, गिन के मेरे पास निकल,
मैं रोक नहीं रहा हूँ तेरे को, और रेट को दे रहा हूँ उसके साथ ही, अरे फोन ना करना मुझे। हाँ तो नहीं करूंगा, मैसेज करूँ? नहीं मुझे ना तेरा थोबड़ा दिख रहा है ना, मुझे तेरा फोन चाहिए ना कॉल, कुछ भी नहीं। अभी आधा घंटा तो है ना, अभी क्या है बाहर लेकर बैठो, तुमसे नहीं देखना तेरा चेहरा, नीचे मम्मी को खराब लगेगा, यहाँ बैठ मैं बोल दूंगी क्यों नहीं जबरदस्ती मत झगड़ा करो, मुझे नहीं चाहिए, इरिटेट हो रहा है, मत कर रहा है, तो जिसको दे दा उसको दे दो। अरे वो तो दूंगा मैं, पर अभी फालतू में जबरदस्ती का झगड़ा मत करिए, तो मुझे नहीं सारा फेरा दिया, वापस मुझे गिफ्ट रैपिंग करवाना पड़ेगा, दो 10 रुपए देखो गिफ्ट रैप के लिए, भिखारी लगता हूँ मैं तेरे को, मेरी वजह से हुआ ना इसलिए कह रही, तेरी वजह से नहीं किया हुआ, तूने किया जानबूझ के, मैं समझा रहा हूँ कब से, शांति से समझा रहा हूँ, तो समझने का तैयार नहीं है, मुझे किसके लिए नहीं बता रहा ना, जानना है तेरे को, हाँ रोने, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, क्यों मैं गुस्सा आ रहा है, हाँ क्या गुस्सा है तो रोने का होता है, दुख होता है तो रोने का होता है, मुझे कैसा बोला अभी तू हाँ चल जा, तू सुनना ही चाहती थी ना, और तूने बोल तो दिया भले मैं सुन, रोना बंद कर, जाने से पहले रोते नहीं है, तू मेरा पूरा वीडियो मत खराब कर, कौन से वीडियो, तूने क्या करने वाला था 3 दिन के बाद में, वीडियो करने वाला था मैं, किसके लिए, किसके साथ, तेरे लिए, ये सब झूठ बोल रहा है, कसम से पता भी है, तो मैंने ही सारी चूज करके ऑर्डर किया इस बार, ताकि तू अपने चैनल पे हाउल वीडियो ज्वेलरी का बना सके, ज्वेलरी हाउल, और ये प्रैंक था बिना कैमरा, कैमरा बिना ऐसे प्रैंक है, अच्छा कैमरा नहीं तो मैं कैसे रहूंगी तेरे पीछे, पार्सल तोड़ने दौड़ रही हूँ पीछे, इसीलिए तो मुझे पता है, तो संकी बेटा करके भी लोगों को लगेगा कि यार अंकिता तो कैसा बिहेव करती है, देखो अरे पर कभी कभी हो नहीं, और मैं देखो कितने दिनों से बोल रही हूँ ब्राउनी के किसके लिए आएगी, इसके लिए मुझे ऐसा मेरे लिए होगा, और फिर पार्सल देखा नीचे भी बोला कि उनके लिए भी नहीं है, तो फिर मेरे को ना, और फिर ज्वेलरी देख के और मुझे हो गया कि ये तो मेरी पसंद वाली सब है, और ये ब्रांड भी मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, और तू ये किसी और को कैसे दे सकता है, और मुझे पता भी नहीं रहा है, ये मेरे को शूट करने जैसा नहीं, सॉरी बोल, सॉरी अब ऐसे नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, सारी पहनना और मेरे को दिखाना, तेरा हॉल वॉल वीडियो बना लेना, ठीक है यार, ये ट्राइंग शूट करने जैसा था नहीं, मेरे को जाने ऐसा मत कर, क्यों शूट करता तो अच्छा नहीं होता ये प्रैंक, हाँ पर कैसा लगेगा, मैं ऐसा तेरा खराब लगता है सर, खराब लगता नहीं, वो तो लोगों को लगता है कि हाँ मतलब प्यार करती है तो ऑफ कोर्स ये तो करेगी, और ये जो था ना अपने एक दूसरे के ऊपर दौड़ रहे थे वो बहुत ज्यादा कॉमेडी था, मैं खुद अभी सोच रही आ रही है मुझे, एक काम करना पानी लेकर ना नीचे से, बाकी तेरा सामान उतार देना है नीचे, हाँ ठीक है, अच्छा लगा पहले देख करके मुझे बताना, ठीक है, बहुत मस्त है, ओके गाइस, तो प्रैंक करते करते मैंने ना एक अच्छी आइडिया सोची है कि अंकिता को मुझे बताने नहीं है कि ये प्रैंक मैंने शूट किया है, मैं डायरेक्टली पोस्ट कर दूंगा तब उसको पता चलेगा, वो शायद लाइव स्ट्रीम में मतलब ये प्रीमियर देख रही होगी तब उसको पता चलेगा कि मैंने उस पर ये प्रैंक किया, वो शूट भी किया है, मैं उसको बताना नहीं, उसके लिए भी सस्पेंस रखते हैं, ओके गाइस, तो आप प्लीज सब्सक्राइब चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो, एंड ऑल्सो गाइस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, बाकी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, एंड ऑल्सो गाइस हिरेनमी लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब करो, कब से बोल रहा हूँ, ताकि आप हमको रेगुलरली लाइव देख सको, एंड हिरन मीन ब्लॉग्स को खास करके सब्सक्राइब करो, नया ब्लॉग ऑलरेडी अपलोड हो गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देखो, लॉट्स ऑफ लव।